प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय टोक्यो दौरे पर हैं। 24 मई को पीएम मोदी टोक्यो में क्वाड नेताओं के साथ शिखर बैठक में शरीक होंगे। वहीं पीएम मोदी को लेकर टोक्यो के अखबार में लेख लिखा गया है जो कई बातों का जिक्र करता है। लेख में लिखा गया है कि बोधि सेना से लेकर स्वामी विवेकानंद तक भारत जापान सांस्कृतिक संबंधों का परस्पर सम्मान और एक दूसरे से सीखने का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। महात्मा गांधी की कीमती निजी संपत्तियों में मिजारू, किकाजारू और इवाजारू तीन बुद्धिमान बंदरों की छोटी मूर्तियां थीं। जस्टिस राधा विनोद पाल जापान में एक जाना पहचाना नाम है और गुरुदेव टैगोर की जापान के लिए प्रशंसा और ओकाकुरा तेनशिन के साथ बातचीत दोनों पक्षों के कलाकारों और बुद्धिजीवियों के बीच शुरुआती संबंध बनाने में सहायक थी। इन गहरे संबंधों ने एक आधुनिक भारत जापान साझेदारी के लिए एक मजबूत नींव रखी जो औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की गई। 70वीं वर्षगांठ मनाने के बावजूद फल फूल रही है और साझेदारी के बारे में पीएम मोदी ने बताया कि मेरा खुद का विश्वास गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे शुरुआती दिनों में ही शुरू हो गया था। ये न केवल जापानी प्रौद्योगिकी और कौशल का परिष्कार था बल्कि जापान के नेतृत्व और व्यवसायों की गंभीरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता भी थी जिसने जापान को गुजरात का पसंदीदा औद्योगिक भागीदार बनाया और अपनी स्थापना के बाद से वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में सबसे प्रमुख उपस्थिति दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN।